मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं उनको काफी टाइम तक के लिए हम किस तरीके से हम फ्रेश रख सकते हैं एंड किस तरीके से हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बहुत बेसिक टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं हमें काफी टाइम तक उनको फ्रेश रख सकते हैं, अच्छी तरीके से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेजिटेबल्स को बहुत टाइम तक स्टोर करने के लिए उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है वॉशिंग। और वॉशिंग के लिए हमें चाहिए पानी और साथ में विनेगर। आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल में पानी लिया है और पानी और विनेगर का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो 3:1 का होना चाहिए। मैंने 3 parts पानी लिया है एंड अब मैं इसमें 1 part विनेगर डाल दूंगी। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको वेजिटेबल्स को स्टोर करने की टिप्स। तो सबसे पहले सारे के सारे टमाटर में इसमें पानी में डाल दूंगी 15 मिनट के लिए। ये मैंने सारे टमाटर जो है वो 15 मिनट के लिए इसमें इस पानी में डिप कर दूंगी। विनेगर जो होता है वो अच्छी तरीके से गंदगी जो वेजिटेबल्स पे लगी होती है उनको हटा देता है। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको इनमें डिप रहने दूंगी एंड फिर उसके बाद में रनिंग वाटर से इनको दूसरे कंटेनर में निकाल के और धो लेंगे। थोड़ा सा हम इनको इस तरीके से हाथों से थोड़ा क्लियर कर देंगे एंड अब डिप होने देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इनको एक छलनी में निकाल लेती हूँ टमाटरों को एंड इस तरीके से मैं सारे टमाटरों को इसमें निकाल दूंगी छलनी में। और अब इसके बाद में हम इसको रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से धो लेते हैं एंड अब हम टोमेटोज को रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से धो लेंगे एंड सारा पानी इस तरीके से ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा पानी जो है वो टोमेटोज में से बिल्कुल टमाटर में से बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया है। अब मैं एक कपड़ा लूँगी जिसे कि सूखा हुआ कपड़ा है, मैं ऐसे सूखा हुआ कपड़ा लूँगी एंड इसके ऊपर मैं सारे टमाटर्स को अच्छे से सुखा लूँगी। ये मैंने स्प्रेड कर लिया। अब मैं दूसरे कपड़े से इन टमाटरों को अच्छी तरीके से सुखा दूंगी। ये आप देख सकते हैं जितने भी टमाटर हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं। अब इसके बाद में मैं एक ओपन कंटेनर में इन टमाटरों को रख दूंगी। आप इन टमाटरों को एक ओपन कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। ये कम से कम 4 से 5 दिन आपके टमाटर अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएंगे। इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से ओपन अपनी किचन में या तो जो वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए जो छोटी वाली रैक्स आती हैं आप उसमें रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से या फिर आप ओपन लिए कंटेनर में भी रख सकते हैं। दूसरी वेजिटेबल है भिंडी। भिंडी को भी मैं वाटर और विनेगर के सॉल्यूशन में इसको 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से डिप कर दूंगी एंड थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से चला देंगे। हम सेम पानी भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमारा जो पानी का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा एंड थोड़ा सा इसको इस तरीके से चला देंगे जिससे कि पूरी डर्ट जो है, जो गंदगी है वो सब निकल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम भिंडी को भी छलनी में निकाल लेते हैं। मैंने छलनी ली है एंड अच्छी तरीके से हम इसमें से वो करके पानी में से निकाल लेंगे भिंडी को। आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसा चेंज हुआ है, कितनी गंदगी निकली है। तो विनेगर जो है सारी गंदगी को, सारे कीड़े जो उसमें छोटे छोटे होते हैं उनको सबको क्लीन कर देता है। मैं इन भिंडी को भी एक रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से धो लूँगी। भिंडियों का काफ़ी हद तक पानी निकल चुका है, अब हम इस भिंडियों को और ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए सूखा कपड़ा लेंगे एंड भिंडियों को हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे एंड स्प्रेड करने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए हवा में हम छोड़ देंगे। ये मैंने ड्राई कपड़े पे स्प्रेड कर दिया है भिंडियों को एंड या तो आप इनको हवा में छोड़ दीजिए 10 से 10 मिनट के लिए जिससे हमारी पूरी भिंडियाँ सूख जाएँ, नहीं तो आप एक और सूखा कपड़ा दीजिए एंड फिर उसके बाद में इस तरीके से आप भिंडियों को पोंछ सकते हैं जिससे कि ये पूरी ड्राई हो जाएंगी। हमें भिंडियों को पूरा ड्राई करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने एक सूखे क्लॉथ से ऊपर से इसको भिंडियों को बिल्कुल ड्राई कर दिया है एंड अब इनका जो पानी है वो बिल्कुल निकल चुका है। अब हम भिंडियों को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है एंड अब इन सारी भिंडियों को मैं इस कॉटन के कपड़े में रैप कर दूंगी जिससे कि जो भिंडियों का बाकी बचा हुआ हल्का सा भी मॉइस्चर है वो बिल्कुल निकल जाएगा एंड फिर हमारी भिंडियाँ जो है वो ख़राब भी नहीं होंगी। कि मैंने इन भिंडियों को इस कपड़े के ऊपर रख दिया है एंड अब मैं इन भिंडियों को इस तरीके से ऐसे रैप कर दूंगी। ये हमारी भिंडियाँ रैप हो चुकी हैं एंड अब मैं इन भिंडियों को इस जिप लॉक वाले पाउच में रख दूंगी। कि मैंने जिप वाला पाउच लिया है एंड अब इस तरीके से मैं इन भिंडियों को इस पाउच में रख कर और सील कर दूंगी। एयर नहीं होनी चाहिए इसमें, जब आप सील करें इसको इस पाउच में एयर नहीं होनी चाहिए। तो सारा प्रेस करके इस तरीके से एंड आप इसको जिप लॉक कर दूंगी एंड आप इस तरीके से धो के भिंडियों को रख सकते हैं ना। हमारी भिंडियाँ काफ़ी टाइम तक फ्रिज में फ्रेश रहेंगी।
पर मैंने जो नेक्स्ट वेजिटेबल ली है वो है बीन्स। बीन्स को भी मैंने 15 मिनट के लिए पानी में डुबो दिया एंड अब इसके बाद में मैं सेम इसी तरीके से इसको छलनी में निकाल के एंड रनिंग वाटर में रिंस कर लूंगी अच्छी तरीके से। मैंने रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से बीन्स को रिंस कर लिया है। अब हम बीन्स को भी अच्छी तरीके से पोंछ देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सेम सूखा कपड़ा लिया, जैसे हमने भिंडियों को सुखाया था उसी तरीके से हम सेम तरीके से बीन्स को भी सुखाएंगे। या तो आप 10 मिनट के लिए हवा में इनको रख दीजिए तो ये सूख जाएंगे, वरना आप सूखे कपड़े से इनको इस तरीके से पोंछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी बीन्स जो हैं बिल्कुल सूख चुकी हैं। पर अब मैं इनको स्टोर करने के लिए एक जिप लाइन पाउच लूँगी। पाउच में मैं जितनी भी बीन्स हैं उनको रख दूँगी। हमें कोई इसमें पेपर टॉवल लगाने की या कोई कॉटन का कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीन्स को हम इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने जिप लाइन पाउच में रखा है एंड जिप लाइन पाउच को सील करने के लिए हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहे। तो हम पहले इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से एंड एक स्ट्रॉ की हेल्प से हम एक कॉर्नर में स्ट्रॉ लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से एंड जितनी भी आप हवा देख रहे हैं वो सारी की सारी हम एक स्ट्रॉ की हेल्प से ऐसे निकाल देंगे, जिससे कि हमारा ये जो इसमें ना तो मॉइस्चर पहुँचे ना हवा पहुँचे और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहें। और होने के बाद में हम इस तरीके से इसमें, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई हवा नहीं है एंड हफ्ते भर बाद भी हमारी जो वेजिटेबल्स है इसी तरीके से फ्रेश रहेंगी। तो आप काफ़ी टाइम तक वेजिटेबल्स को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी बीन्स को बिना चॉप किए रखा है, क्योंकि उसको बाद में मैं किस तरीके से बनाऊँ तो इसलिए मैंने आधी बीन्स को बिना चॉप किए स्टोर किया है एंड आधी बीन्स को मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिया था बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे अगर बनानी है सब्जी तो मैंने इसकी प्री प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है। इसको भी मैं एक जिप लाइन पाउच में रख दूँगी स्टोर करके, तो जितनी यूज़ करनी होगी वो मैं उतनी यूज़ करके एंड वापस अगर बच गई मेरी बीन्स तो फिर मैं उनको नेक्स्ट दिन यूज़ कर लूँगी। एंड ये मैंने जिप लाइन पाउच में रख दिया। सारी की सारी हवा आप इसको हाथ से ही निकाल सकते हैं एंड इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से सील पैक कर दीजिए, जिससे कि बिल्कुल भी हवा नहीं रहे। फिर हमारी बीन्स भी, चॉप्ड बीन्स भी स्टोर हो गई। अगर हमें ज़्यादा टाइम तक गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी या फूल गोभी जैसी वेजिटेबल्स अगर रखनी है फ्रिज में तो हम इनको इस तरीके से पैक कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने बहुत पतली प्लास्टिक शीट ली है, उससे मैंने ब्रोकली को कवर कर दिया है। अब मैं ये बाकी दो भी वेजिटेबल्स उनको कवर कर दूंगी एंड इसके बाद में हम इनको फ्रिज में स्टोर करके काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। ये मैंने प्लास्टिक फॉइल ली है। अब मैं इस तरीके से शिमला मिर्च रख दूंगी एंड शिमला मिर्च को मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। एंड आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इनको कवर कर दिया है। अब मैं इनको फ्रिज में भी रख सकती हूँ काफ़ी टाइम तक। जब भी आप इनको यूज़ करें अच्छी तरीके से प्रॉपरली धो लें। स्पेशली जब भी आप ब्रोकली को यूज़ करें तो ब्रोकली को 10 मिनट के लिए पानी में उबलने दें, जिससे कि इसके जो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं या छोटे छोटे जो कीड़े हो जाते हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे एंड आपकी जो ब्रोकली है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अगर आपको हरी मिर्च को स्टोर करना है तो मैंने जिस तरीके से बाकी सारी वेजिटेबल्स को धोया था विनेगर पानी में, उसी तरीके से मैं हरी मिर्च को भी विनेगर पानी में सोक कर दूंगी 15 मिनट के लिए एंड फिर उसके बाद में मैंने रनिंग वाटर में इसको अच्छी तरीके से धो लिया। अब इसके बाद में मैं इसको भी एक सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से सुखा दूंगी। इन सब हरी मिर्च को मैंने एक सूखा कपड़ा लिया है, अब मैं इन सारी हरी मिर्च को सुखा दूंगी। ये मैंने सारी हरी मिर्च को सुखा दिया है। अब इसके बाद में हरी मिर्च को बहुत टाइम तक फ्रेश रखने के लिए, ग्रीन रखने के लिए हम इसको किस तरीके से स्टोर करेंगे। ये जो आप इसकी पीछे की जो डंडी देख रहे हैं हम इनको इस तरीके से हम तोड़ देंगे। ये मैंने इस तरीके से इन दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। जो हरी मिर्च है हम उसको सेव करके रख लेंगे एंड डंडियों को हम फेंक देंगे। ऐसा करने से ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश बनी रहती हैं। हरी मिर्च का जो पीछे की जो डंडी होती है उनको निकाल दिया है एंड अब मैं इनको एक एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से बंद करके और फ्रिज में काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकती हूँ एंड ये काफ़ी फ्रेश भी रहेंगी। जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है पालक। पालक के लिए मैं सेम वाटर यूज़ करूँगी, बार बार पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये विनेगर वाला पानी है एंड पालक को अच्छी तरीके से धोने के लिए मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी ऊपर की तरफ से एंड उसके बाद में ये जो लीव्स हैं इसकी ये नीचे पानी में हल्का हल्का डिप करूंगी, जिससे कि थोड़ी थोड़ी वॉश हो जाए एंड इसकी जो गंदगी है वो निकल जाए। अपसाइड डाउन में इसको थोड़ी देर के लिए डिप रहने दूंगी पानी में। ये मैंने 3 से 4 मिनट पानी में डिप रहने दिया है इसको। अब मैं इस तरीके से निकाल लूँगी एंड अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी और गंदा हो गया है एंड जो ड्राइड लीव्स थी या जो गंदगी थी पालक की लीव्स की तरफ से वो निकल चुकी है, काफ़ी हद तक निकल चुकी है। अब मैं इस पानी को साइड में रख दूँगी। अब मैं एक चॉपिंग बोर्ड लूँगी, चॉपिंग बोर्ड पर मैं पालक रखूँगी एंड पालक की ये जो डंडियाँ हैं उनको मैं काट लूँगी। ये
कि मैंने इस तरीके से सारी डंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग कर दी हैं। अब मैं बिल्कुल फ्रेश पानी लूँगी, बिल्कुल क्लियर पानी लूँगी। एंड अब जो मैंने पालक काटी थी, जो अलग की थी डंडियाँ एंड लीव्स, उनको मैं इसमें पानी में इस तरीके से डाल दूँगी, जिससे कि हमारी जो पालक है वो पूरी अच्छी तरीके से धुल जाए। एंड मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिप रहने दूँगी, 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से पानी में डिप रहने देते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको एक छल्ली में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है पूरा का पूरा निकल जाए एंड ड्रेन आउट हो जाए। और एक बार छल्ली में निकालने के बाद में हम इसको एक बार और रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो पूरी गंदगी और जो मिट्टी है वो बिल्कुल निकल जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं पालक को छल्ली में निकाल लेती हूँ। ये मैंने इस तरीके से छल्ली में निकाल लिया पालक को, आप देख सकते हैं काफी हद तक और मिट्टी निकल चुकी है। अब एक बार और इसको हम रनिंग वाटर में निकाल लेते हैं। ये पानी में से पालक को अच्छी तरीके से निकाल लिया, अच्छी तरीके से वॉश हो गए एंड आप ये देख सकते हैं काफी हद तक इसका पानी भी ड्रेन हो गया। अब हम पालक को सुखा लेते हैं स्टोर करने से पहले। तो यहाँ पर अगेन मैंने सूखा कपड़ा लिया और अब मैं पालक को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। ये मैंने पालक को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए या तो फैन में रख सकते हैं, जिससे कि ये जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल निकल जाए और पालक सूख जाए, उसके बाद में हम स्टोर करेंगे। या फिर आप अगेन सूखे कपड़े से पालक को पोंछ सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूखे कपड़े से पालक को ड्राई कर रही हूँ, सुखा रही हूँ इसका मॉइस्चर। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से पालक को सुखा दिया है एंड काफ़ी हद तक मॉइस्चर निकल चुका है। और अब हम इसको स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पालक को स्टोर करने के लिए एक बाउल लिया है और इस पालक का जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है उसको सुखाने के लिए मैं पेपर टॉवल लेती हूँ। ये पेपर टॉवल है, इस तरीके से मैंने नीचे इसको बिछा दिया है। एंड अब मैं एक एक लेयर करके थोड़ी थोड़ी पालक स्प्रेड कर दूँगी। मैंने थोड़ी पालक इस तरीके से स्प्रेड कर दिए, इसके ऊपर मैं एक और पेपर टॉवल ऐसे लगाऊंगी एंड यही सेम प्रोसेस मैं बार बार करती रहूंगी जब तक कि हमारी जो पालक है वो इस कंटेनर में फिर नहीं हो जाए। दोबारा से मैंने पेपर टॉवल लगाया। ये आप देख सकते हैं मैंने मल्टी लेयर में पालक को स्टोर किया है। पहले पेपर टॉवल लगाया, फिर उसके बाद में मैंने पालक वो किए, फिर ऊपर से पेपर टॉवल लगाया। इसी तरीके से मैंने पालक में जो बचा हुआ जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूख जाए, इसलिए मैंने लेयर बाय लेयर पेपर टॉवल लगाई है। अब मैंने फाइनली यहाँ पर पालक रखी एंड फिर उसके बाद में इस तरीके से मैंने पेपर टॉवल लगा दिया इसके ऊपर, जिससे कि जो कंप्लीट मॉइस्चर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। अब इसके बाद में हम कंटेनर को इस तरीके से बंद कर देंगे। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर में पालक स्टोर कर दिए। मेक श्योर कीजिए कि एयर टाइट कंटेनर में होल हो, जिससे कि जो हमारी अंदर जो भी मॉइस्चर रहता है या जो भी थोड़ी बहुत गैस होती है वो बाहर निकल जाए इन एयर होल्स के थ्रू। तो ये मैं इन एयर होल्स को इस तरीके से खोल दूंगी। जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स को स्टोर करें किसी कंटेनर में, तो मेक श्योर कीजिए कि उनमें इस तरीके से होल्स हो, जिससे कि एयर पास होगी। और हल्का सा मैं इसको हल्का लूज कर दूंगी एंड ये मैंने इस तरीके से पालक को स्टोर कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं वहाँ पे, टमाटर, पालक, बीन्स और भिंडी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, पालक, हरी मिर्च, सभी तरीके की सब्जियों को किस तरीके से स्टोर किया है। अगर हम इस तरीके से स्टोर करेंगे तो काफ़ी टाइम तक हमारी सब्जियां जो हैं वो प्रिजर्व रहेंगी एंड ख़राब भी नहीं होंगी। अब हम इनको फ्रिज में रख देते हैं एंड एक हफ्ते बाद में हम चेक करते हैं कि हमारी सब्जियां ताज़ी रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो चलिए मैं सब्जियों को फ्रिज में से निकालती हूँ, देखते हैं कि एक हफ्ते बाद में हमारी जो सब्जियाँ हैं वो किस तरीके से फ्रेश रहती भी हैं या नहीं रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं शिमला मिर्च है एंड बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और चलिए बाकी सारी सब्जियाँ निकालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कटी हुई बीन्स रखी थी, वो बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर मेरे को थोड़ी ही बीन्स यूज़ करनी है तो मैं उनको निकाल दूँगी एंड फिर उसके बाद में पूरी हवा बिल्कुल वैसी के वैसी निकाल के इस तरीके से एंड इसको सील पैक कर दूँगी। तो ये मेरी सारी वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल फ्रेश है अभी और इन वेजिटेबल्स को ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है। मैंने यहाँ पर पालक अभी बिल्कुल यूज़ नहीं की है एंड पालक को एक हफ्ता हो चुका है, देखते हैं कि पालक फ्रेश है भी या नहीं है। और देखिए पालक फ्रेश है एक्सेप्ट एक या दो पत्तियों के हल्की सी येलोइश हुई है पत्ती है एंड बाकी पूरी की पूरी जो पालक है वो बिल्कुल लेयर बाय लेयर बिल्कुल फ्रेश है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने वेजिटेबल्स को काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक फ्रिज में फ्रेश भी रख सकते हैं। होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन सी यू सून। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।